करते हैं अपने चैनल टूर में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो बहुत से बच्चे अभी तैयार नहीं है जिस चीज़ के लिए। दोस्तों ये है आपका डॉक्यूमेंट्स। तो आप अभी तैयारी कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपके सामने ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि ये जो 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था मास्टर्स प्रोग्राम का, तो इसमें देखिए स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से बच्चों ने बहुत से डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और इसलिए उन्हें दोबारा मंगाना पड़ा था। वैसे जनरली क्या होता है कि ऑफलाइन में आपको जाना पड़ता है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से आपका ये ऑनलाइन हुआ, तो ऑनलाइन में बहुत से वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ये लिस्ट है। लेकिन अगर आपका ऑफलाइन होगा चाहे ऑनलाइन होगा दोस्तों, आपके पास डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि नाइपर हर बार आपको ऐसा स्टेटस बताए कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको वहाँ पे चीज लाना है, आपको अपनी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे आप देखोगे दोस्तों EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ अंडरटेकिंग, तो किसी ने वहाँ पे EWS सर्टिफिकेट नहीं डाला बल्कि अंडरटेकिंग डाल दिया है। फिर यहाँ पे एनेक्सर 1 और 2 है जो कि अपलोड नहीं किया गया था। इस तरह दोस्तों यहाँ पे इस लड़के ने भी ऐसे किया है, EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। तो बहुत से बच्चे जिनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं था या जिन्होंने नहीं बनवाया था, वो लोग सोचे कि हम लोग वहाँ पे अंडरटेकिंग डाल लेंगे और हम लोगों का काम चल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अगर कैटेगरी में वहाँ EWS डाला है तो आपको वो चीज़ वहाँ पे उन्हें शो करनी ही पड़ेगी, तभी आप उस रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और यही चीज़ होता है दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो OBC कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट्स हैं, तो उनको भी यही चीज़ करना पड़ता है, उनको भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपने क्लियर रखने पड़ेंगे। अगर आपका कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो फिर आप OBC कैटेगरी में नहीं आओगे बल्कि आप जनरल में काउंट किए जाओगे। इसलिए अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनका टाइम नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था। और अभी प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि अगर आप लोगों ने नहीं बनवाया है तो आपके पास टाइम है। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह है, अभी मैं आपको EWS का फॉर्मेट भी दिखा दूंगा और कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो अपनी कैटेगरी OBC में कि आप सेंट्रल लिस्ट में हो कि नहीं, तो वो मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कैसे आप स्टेट में जाके उसको देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों आप अपने सामने देख सकते हो, जैसे एक स्टूडेंट है 157 OBC, उसकी 157 रैंक थी, ठीक है, तो उसमें कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल OBC लिस्ट। ये जो है अभी प्रोविजनल लिस्ट निकलती है रिजल्ट की, ठीक है। अगर वहाँ पे कैंडिडेट के पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं तो वो कैंडिडेट वहाँ से हटा भी दिया जाता है। तो इसको आप ये मत समझिए कि आप वहाँ पे ट्रिक्स करके आप वहाँ निकल जाओगे। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, आपको वो इवन कॉलेज से भी बाद में भी टर्मिनेट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे देखिए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल OBC लिस्ट, तो जो उस बच्चे ने लगाई थी, ठीक है, OBC लिस्ट लगाया होगा, जो OBC अपना कैटेगरी का लगाया होगा उसने सर्टिफिकेट, वो स्टेट का रहा होगा, जरूरी नहीं कि सेंट्रल में OBC पे आते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको देखनी है। बच्चे मुझसे बराबर व्हाट्सएप पे सब चीज़ें पूछते हैं, लेकिन दोस्तों मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे आप ये सारी चीज़ें खुद भी जाके देख सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको सब चीज़ें नहीं पता है, तो उनको भी ये चीज़ बता दीजिएगा कि कैसे आप खुद वेरीफाई कर सकते हो और EWS का कौन सा सही सर्टिफिकेट होता है। और जिन बच्चों के पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है और जो हमारा टेलीग्राम है वो भी पता है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। हमें वहाँ पे जो PDF है EWS का, मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, उसको निकाल लेना है और उसको वहाँ पे जाके बनवा लेना है। EWS सर्टिफिकेट में भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि EWS में कौन आते हैं, मीन्स इस कैटेगरी में कौन आते हैं, तो वो चीज़ भी हम सर्टिफिकेट के नीचे देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए EWS सर्टिफिकेट भी बनने के लिए, ठीक है। ये तो होगी दोस्तों, यहाँ पे आप खुद ही देख रहे होगे कास्ट नहीं है किसी के पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 ये सब चीज़ें नहीं अपलोड किया है। तो एनेक्सर 1 और 2 के लिए अभी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वो लोग बताएंगे कि कौन सा एनेक्सर लाना है और उसका फॉर्मेट देंगे। लेकिन फिलहाल वो चीज़ें तो वहाँ कम्प्लीट की जा सकती हैं, लेकिन जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर जल्दी नहीं कम्प्लीट किए जा सकते। तो दोस्तों ये है आपका EWS सर्टिफिकेट।
इसको मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसकी पीडीएफ आपको अवेयर करा दूंगा। जस्ट आप यहाँ देख सकते हो, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, मीन्स EWS। यहाँ का सर्टिफिकेट नंबर आएगा, डेट आएगा, ठीक है, वैलिड फॉर द ईयर, किस ईयर के लिए वैलिड है ये। फिर यहाँ पे लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री श्रीमती या कुमारी, नाम आएगा, सन डॉटर या वाइफ जो भी उसमें टिक होगा, ऑफ, यहाँ पे आपका रेसिडेंस आ जाएगा, जो नंबर है आपका परमानेंट रेसिडेंस ऑफ विलेज, तो सन डॉटर वाइफ ऑफ यहाँ पे आ जाएगा आपका, उसी तरह की नाम आ जाएगा, जैसा भी आप वहाँ भर रहे होगा, सन हो तो वहाँ पे फादर्स नेम आ जाएगा, डॉटर हो तो फादर्स नेम आ जाएगा, वाइफ हो तो भी हस्बैंड नेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नाम आ जाएगा, फिर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ विलेज स्ट्रीट, तो यहाँ पे विलेज, फिर पोस्ट ऑफिस आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, यूनियन टेरिटरी डालना है, पिन कोड, ठीक है, आपके एरिया का परमानेंट एड्रेस का पिन कोड यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे फोटोग्राफ इज अटेस्टेड, तो जो भी अथॉरिटी है वो उसको वहाँ पे अटेस्ट करेगा, ठीक है, फोटोग्राफ के आपको, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट बन के आता है उसमें वो चीज अटेस्टेड है कि नहीं है। वी बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिंस द ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ हिज फैमिली इज बिलो 8 लाख। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सालाना, पूरे परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से नीचे है, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और ये सालाना कैसे गिना जाता है, आपका चलता है आपका अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है, मीन्स 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो पूरा साल होता है उसको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, इसको आप इनकम सर्टिफिकेट कह सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमारे परिवार में इससे ज़्यादा इनकम नहीं होती, तभी आप EWS बना सकते हो। और यही चीज़ यहाँ पे ये सर्टिफिकेट वैलिड कर रही है कि हाँ, हमने इनका सर्टिफिकेट देख लिया है, इनकम सर्टिफिकेट, और ये EWS के अंदर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए, जैसे 5 acres ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, तो 5 acre आपका एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेसिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए 1000 square feet का या उससे ऊपर का, रेसिडेंशियल प्लॉट 100 square yards का या उसके ऊपर का, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 square yards अबव इन एरिया अदर देन द नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी। तो ये सब चीज़ें नॉट ओन और पॉजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे श्री श्रीमती कुमारी बिलोंग टू द कास्ट व्हिच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी सेंट्रल लिस्ट, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये भी बताया है कि ये और किसी कास्ट में नहीं आते हैं, ठीक है, तो मीन्स जनरल में EWS कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिग्नेचर होगा, सील ऑफ ऑफिस विद सील ऑफ ऑफिस नेम डेजिग्नेशन, जो भी अथॉरिटी रहेगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। यहाँ पे दोस्तों रेसेंट पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट होगा। फिर जो आपने इनकम बताई है, ठीक है, वो सारा ही सोर्स, जितना भी आपका कमाई है सारा ही वहाँ पे ऐड होके आप इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, ताकि EWS सर्टिफिकेट आपका बन जाए। सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, जो कुछ भी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका फॉर्मेट, और इसमें किससे किससे आप करवा सकते हैं, तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इश्यू बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन अबव शैल ओनली बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ कैंडिडेट्स क्लेमिंग एज बिलोंगिंग टू EWS, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टेपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे का रेवेन्यू ऑफिसर अटेस्ट नहीं कर सकता है, सब डिविजनल ऑफिसर और द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड। तो इतने लोग इस जो आपका EWS सर्टिफिकेट है इसको ये लोग अटेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो केवल इनकी अथॉरिटी चलेगी, ऐसा नहीं कि इनके अतिरिक्त अगर आप कहीं चले जा रहे हो कि आप किसी ग्राम पंचायत में चले गए एक्सेट्रा कहीं चले गए, तो ऐसा नहीं है। आप पीछे ध्यान दे दीजिए कि इतने ही लोग हैं जो इसको अटेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा आपको कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा,
जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ पे जो बाहर लॉयर्स वगैरह होते हैं, आप उनको चीज़ बताओगे, सर्टिफिकेट फिल करा के वो कुछ फीस आपसे लेंगे और ये चीज़ वहाँ पे करवा देते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका कि कैसे आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वेबसाइट, ठीक है, ncbc.nic.in। इस पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी देख सकते हो, हर स्टेट का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। आप जिस स्टेट में भी हो, मानो आप दिल्ली में हो, गुजरात में हो, हरियाणा में हो, यूपी में हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस दिल्ली को क्लिक करना है। अभी मेरा नेट यहाँ पर दोस्तों ऑफ है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको। आप दिल्ली यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसके बाद ढेर सारी वहाँ पर कास्ट आ जाएगी, जितनी कास्ट है दोस्तों वहाँ पर शो करेगा वो वहाँ पे आपके लिए क्या है कि वो सेंट्रल लिस्ट में है। तो अगर आपको चीज़ देखना है कि आप वहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में आते हैं कि नहीं, तो आप अपने स्टेट पर क्लिक करिए और देखिए कि आपका जो कैटेगरी है वो वहाँ पे मेंशन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा दोस्तों तो फिर अभी आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हो, लेकिन अगर आप अगर हो रहा है तो सेंट्रल लिस्ट पर आते हो और आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो लॉयर्स होते हैं उनको सिंपली आपको बताना होगा कि देखिए मैं सेंट्रल लिस्ट में आता हूँ तो मुझे फॉर्मेट बनवाना है, मुझे ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट बनवाना है, ठीक है, जो सेंट्रल में आते हैं ना कि स्टेट वाला। दो तरह के बनते हैं दोस्तों, एक स्टेट के लिए बनता है और एक बनता है सेंट्रल के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट चाहिए। अगर आप स्टेट का लाते हो तो वहाँ पर फिर आपका डिग्री का जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेगा, आप ऐसे जनरल काउंट होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसे करके चीज़ें कर सकते हो। अगर दोस्तों और भी क्वेरी या डाउट है कुछ मन में आपके, ठीक है, या कोई सर्टिफिकेट है या कोई और चीज़ है जो आप पूछना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बता सकते हो दोस्तों। वहाँ पर वीडियो जरूर लाइक करिएगा और जिन फ्रेंड्स को चीज़ चाहिए अभी उन्हें भी नहीं पता होगा, हो सकता है कि ये चीज़ जरूर शेयर करिएगा जो बच्चे भी वहाँ तैयारी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। और आपके मन में जो भी डाउट है, मतलब बहुत से डाउट हो सकते हैं दोस्तों, ये सब हमें तभी पता चलता है जब हमारे पास क्वेरी आती है व्हाट्सएप पे। तो अगर कुछ है रिगार्डिंग कि कैसे नाइपर में क्या करना है, मतलब हमें क्या क्या ले जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जो टाइम है अगर उसी समय अगर आपको ये सब चीज़ें पता चलेगी तो आप उस समय नहीं बनवा सकते हो, तुरंत वो चीज़ें नहीं बन सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आप पहले से सतर्क रहिए और हमसे आप जितना पूछोगे दोस्तों वो तो सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्प आपकी डूअर के द्वारा की ही जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे डूअर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर वहाँ पर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू, टेक केयर।